है एवरीवन, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो केचप, जो कि हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने गैस ऑन कर लिया है और उस पर इस तरीके का एक बर्तन रख दिया है। पहले हम यहाँ पे बना रहे हैं टोमेटो सॉस, जो पिज़्ज़ा शीट पर लगाया जाता है। तो इसमें हमने दो टमाटर डाल लिए हैं कटे हुए। जितने रेड टमाटर आप लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है इसका। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज डाल दी है, साथ ही साथ यहाँ दो तीन लहसुन की कलियाँ। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें डाल देना है चीनी। यहाँ पे मैं पिसी हुई शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप जैसा भी चाहें यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच चीनी यहाँ पे लिया हमने, क्योंकि ये केचप थोड़ा मीठा सा रहता है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच शुगर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 2 से 3 लाल मिर्च। आपको जितना तीखा पसंद है आप हिसाब से डालिएगा। मैं ये बना रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं जब भी आपका पिज़्ज़ा बनाने का मन हो लॉकडाउन के टाइम में इस तरीके से। और इसमें डाल देंगे 1/2 कप वाटर। थोड़ा सा इसको ऐसे ही शेक कर देंगे और फिर हम इसको रख देंगे। देखिए पकना स्टार्ट हो गया है, बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट में एकदम रेडी हो जाएगा पक कर। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब इसे ठंडा करके हम जार में पीस लेंगे। बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है हमने, ये देखिए इस तरीके का। लेकिन हमें इसे और भी ज़्यादा फाइन करना है, बिल्कुल केचप का रूप देना है हमें इसे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया एक बाउल, इस तरीके का आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और उस पर एक छलनी रख देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा जो थिक होता है ना वो छन्नी ना यूज़ करें मेरे जैसे, आप थोड़ा थिन वाली छन्नी यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी होती है। तो इस तरीके से रख कर और चम्मच से इसको इस तरीके से कर लेंगे, तो इससे बहुत ही फाइन आपको मिल जाएगा, एकदम सॉफ्ट जैसे मार्केट वाला होता है। तो कुछ इस तरीके से जल्दी जल्दी से करके हमने यहाँ पे देखिए सारे केचप को निकाल लिया है। और अब आप इसका कलर देखिए और टेक्सचर देखिए, बिल्कुल जैसे मार्केट का टोमेटो केचप होता है, एकदम उसके जैसे आपको दिखाई देगा। देखिए बहुत ही अच्छा बनता है, आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए वाइट सॉस की तरफ चलते हैं। तो वाइट सॉस बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे एक पैन चाहिए, और उसमें लिया हमने 1 चम्मच घी। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे घी हमारा अच्छे से थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने लेना है 2 चम्मच मैदा। यहाँ पे हमने 2 चम्मच मैदा डाल लिया है। आपको जितनी सॉस चाहिए आप उस हिसाब से डालिए। यहाँ पे मुझे एक पिज़्ज़ा बनाना है, मैं उसके लिए ले रही हूँ। और अगर आपको पिज़्ज़ा वाली वीडियो देखनी है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप जाके वहाँ से पिज़्ज़ा वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से हमें भून लेना है, बहुत जलाना नहीं है, बस इसे 2 मिनट ही भून लेना है। ऊपर से ज़रा सा नमक डाल देना है और फिर से इसे अच्छे से चला लेना है। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए हमने यहाँ पे 2 मिनट कंप्लीट करने हैं। थोड़ा सा कच्चापन जाना है, बस इसे बहुत जलाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुके हैं हमारे 2 मिनट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध करके डालेंगे। दूध आप रूम टेम्परेचर पे ले सकते हैं, बहुत गर्म नहीं बहुत ठंडा भी नहीं। तो इसमें हम आराम आराम से दूध डालेंगे और बस चलाते रहेंगे, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो हम इसे दूध डालकर अच्छे से ऐसे ही मिलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ और लम्स ना बने। बहुत ही अच्छा इसको चलाना है। ये देखिए इन्हें चलाने के बाद में थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ रह ही जाती हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। तो
अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखा सा लग रहा है तो आप ऊपर से थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से मिला लिया है फ्रेंड्स। थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई हैं, तो इसके लिए हम वही प्रोसीजर फिर से करेंगे जो हमने केचप में किया था, जिससे हम एकदम मार्केट वाली सॉस मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो इसे एकदम मार्केट जैसा टेक्सचर देने के लिए यहाँ पे हमने लिया एक बोल और एक छलनी। दोबारा से आपको मैं बता देती हूँ कि आप छलनी थोड़ा जो दूर दूर से जाली होती है, आप वो वाली छलनी यूज़ करें, और उसमें सेम वही प्रोसीजर आप थोड़ा थोड़ा सा लेकर और इस तरीके से चलाते हुए झाड़ लेंगे अच्छे से, जिससे नीचे हमारा बहुत ही स्मूद एक क्रीम मिलेगा हमको। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से करके हमने फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी है, तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। तो इस तरीके से अच्छे से करके हमें एक स्मूद सा पेस्ट मिल जाएगा। आप देखिए जो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई थी वो छलनी में निकल गई हैं। अब यहाँ पे हम अपना एक अच्छा सा क्रीम पा जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं और इसे थोड़ी देर अच्छे से चला लीजिए, जैसे फेंट लीजिए, और उसके बाद आप देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा टेक्सचर मिला है। आप इसे पिज़्ज़ा में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा होममेड हमारा सॉस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।